बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बच्चों जिस चैप्टर को देखने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 7, बायो एनर्जेटिक्स। इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, जैसे बायोलॉजी में दो लफ्ज़ हैं, बायो और एनर्जेटिक्स। बायो का मतलब आप लोगों को पहले पता है ज़िंदगी, और एनर्जेटिक्स क्या होता है? ज़िंदगी की एनर्जी। देखें, एनर्जी तो हमारा जो फ़ैन होता है, कंप्यूटर होता है, इसमें भी होती है बिजली की सूरत, लेकिन जो जानदार हैं उनमें भी एनर्जी मौजूद होती है। वो एनिमल्स हों या वो प्लांट्स हों या वो किसी भी तरह के जानदार हों, दे हैव एनर्जी। और जो जानदार होगा, लिविंग होगा, उसको हम क्या कहेंगे? बायो मीन्स लाइफ, क्योंकि जिसमें लाइफ होगी वो बायो होगा। और एनर्जेटिक्स यानी कि एनर्जी, तो ऐसी कोई भी जानदार चीज़ जिसके अंदर एनर्जी मौजूद है, जब हम उस जानदार की एनर्जी को हासिल करने के तरीकों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? बायो एनर्जेटिक्स। यानी जब हम किसी जानदार के एनर्जी के हसूल, इस्तेमाल या उसके इंजजाब के तरीकों के बारे में मुतालिया हासिल करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? बायो एनर्जेटिक्स। अब यहाँ किताब के अल्फाज देखिए, किताब के अल्फाज क्या हैं? बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो एनर्जेटिक्स का ताल्लुक इस मुतालिया से है कि हम सीखें कि एनर्जी का ताल्लुक क्या है आपस में, और ये किस तरीके से तब्दील हो जाती है एक सूरत से दूसरी सूरत। देखें, जानवर होता है, हम पौधा खाते हैं, वो एक एनर्जी है, जानदार चीज़ है, हम उसको खा जाते हैं, उसकी एनर्जी हमें कैसे मिल जाती है? और फिर एक मुर्गी, वो घास को खा लेती है या वो बाजरा को खा लेती है, तो वो जो बाजरे की एनर्जी होती है वो मुर्गी में कैसे चली जाती है? और जब हम उस मुर्गी को खा लेते हैं, उसकी एनर्जी हमें कैसे मिल जाती है? ये है ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जानदार से दूसरे जानदार तक एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो जाना, दैट इज ऑल्सो बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में हम लोग ये दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो जानदार होते हैं, वो अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ से हासिल करते हैं? उसके दो सोर्सेज हैं एनर्जी हासिल करने के। कितने सोर्सेज हैं? दो सोर्सेज हैं किसी भी जानदार के लिए एनर्जी हासिल करने के। सोर्सेज कितने हैं? दो। या तो वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करेगा, ठीक है, या वो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करेगा। ये दो ही तरीके हैं। अब प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और इंसान जैसे हम लोग हैं, हम अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। हम अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? पौधों से या दूसरे जानवरों से। जैसे दूध है तो गाय से हासिल करते हैं, गोश्त है तो भेड़ बकरी गाय मुर्गी से हासिल करते हैं, और सब्जियां वगैरह हैं, दालें वगैरह हैं, ये हम पौधों से हासिल करते हैं। तो दो तरह से हम अपने एनर्जी को हासिल करते हैं। फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स। अब यहाँ पर दो तरह की हमारे पास एनर्जी आएगी। जब हम बायो एनर्जेटिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास पहली चीज़ तो ये आ गई, या तो खुराक हम खुद तैयार करेंगे या फिर हम किसी दूसरे जानदार से हासिल करेंगे। अब जो खुराक हम खुद हासिल करेंगे या किसी दूसरे जानदार से हासिल करेंगे, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। कितनी एनर्जी है? दो एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जो स्टोर होती है? आलू है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। गोश्त है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। दालें हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर एनर्जी स्टोर है, वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर होती है। देखें, हम इलास्टिक को खींचते हैं ऐसे करके,
इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी भर गई है? पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो स्टोर होती है। हमने इलास्टिक को पकड़ के ऐसे करके खींचा, इस तरह पकड़ा हुआ, उसमें क्या भर गया? एनर्जी। उसमें क्या भर गया? उसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो दूर जाएगा, ठीक है। रबड़ है, हमने रबड़ को पकड़ के ऐसे खींचा, उसमें क्या भर गई? पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने उसको छोड़ा वो कहाँ जाएगी? दूर जाएगी। वो क्यों दूर गई है? एनर्जी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी भरी हुई थी। तो अब देखें, फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स। व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड। जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकलती है। तो क्या निकलती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो हरकत हो रही है, कोई हरकत है उसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। हमने इलास्टिक को खींचा, हमने किसी रबड़ को खींचा, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल। जब हमने इसको छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए, हम खुराक खाते हैं, आलू खाते हैं, या हम दाल खाते हैं, या हम कोई गोश्त खाते हैं, तो उससे क्या होता है? एनर्जी जो होती है वो उसके अंदर स्टोर होती है, और फिर जब हम उसको खा लेते हैं तो वो एनर्जी हमें मिल जाती है। सम ऑफ दीज एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, व्हाइल द रेस्ट एस्केप एज हीट। हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं किसी भी खुराक से, उसका क्या होता है? उसके दो काम होते हैं। या तो हम उसे एटीपी की सूरत में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं अगले यूज़ के लिए, अगले टाइम के लिए यूज़ के लिए, या फिर हम उसको गर्मी की सूरत में अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। देखें, हमारी बॉडी हर वक्त हीट पैदा कर रही होती है। सर्दी में भी हम गर्म रहते हैं और गर्मियों में भी हमारी बॉडी का एक ख़ास टेम्परेचर हमेशा कायम रहता है। तो हमारी बॉडी हमेशा क्या प्रोड्यूस कर रही होती है? हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी को खा लेते हैं तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है हमारी बॉडी के अंदर। उसको दो सूरतों में जो है इस्तेमाल किया जाता है, या तो एटीपी से उसको सेव कर लिया जाता है, हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं, या फिर हीट बना के उसको बाहर निकाल दिया जाता है। हीट बना के उसको, हमारी बॉडी गर्म होती है और उसमें से हीट निकलती है और हमारी जो खुराक है वो हजम हो जाती है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज। जो एनर्जी हमने पोटेंशियल एनर्जी को खाया, उससे हमें क्या मिली? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से दो चीज़ें हुई, एक तो हमने उससे एटीपी बना ली और एक उससे हमने हीट निकाल ली। अगर तो हमने उसको एटीपी की सूरत में स्टोर कर लिया हुआ है तो वो बाद में भी इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमने एक बजे खाना खाया, एक बजे कोई इतनी वर्किंग नहीं हो रही थी, वो हमने उसको एटीपी की सूरत में अपनी बॉडी के अंदर सेव कर लिया, ब्लड के अंदर सेव कर लिया और कुछ हीट के साथ साथ निकलता रहा हमारी बॉडी। बाद में हम हरकत करना शुरू हो गए, चलना शुरू हो गए या दौड़ना शुरू हो गए या भागना शुरू हो गए, तो अब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत महसूस हुई, तो उसने एनर्जी कहाँ से निकाली? जो एटीपी की सूरत में उसने स्टोर कर ली। तो जब हम खुराक खाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम खुराक खाते रहते हैं और एनर्जी मिलती रहती है। हम खुराक खाते हैं सुबह 8 बजे और दोपहर का खाना 1-2 बजे तक खाते हैं, तो उस वक्त तक भी हमारे पास एनर्जी मौजूद होती है, चलने की, फिरने की, काम करने की, पढ़ने की, बात करने की, उठने की, बैठने की होती है या नहीं होती? वो किस सूरत में सेव हो जाती है? एटीपी की सूरत। जो चीज़ भी हम खाते हैं उसके दो काम होते हैं। सबसे पहले खा के तो काइनेटिक एनर्जी उससे बनती है। काइनेटिक एनर्जी को दो सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है, या तो उसको एटीपी की सूरत में स्टोर कर लिया जाता है, या फिर उसको हीट की सूरत में क्या किया जाता है? बाहर निकाल देता है, खारिज कर दिया जाता है बॉडी से। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो हमारा बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। बायोएनर्जेटिक्स में अगर किसी किस्म का भी आपने सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।